नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मेरे साथ है इस वक्त ललन पासवान, जेडीयू विधायक। सर, स्वागत है सिटी पोस्ट में आपका। ये बताइए कि बिहार में अभी 72 नर्सिंग होम को पॉइंट आउट किया गया है, जो पटना शहर में जिनको बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया है 15 दिन के भीतर, इसको आप कितना सही मानते हैं, 72 नर्सिंग होम? अच्छा, नमस्कार आपको, सिटी पोस्ट को। देखिए, जो परिस्थितियाँ है राज्य की, और हम लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार जी सकारात्मक सोच से और बिहार के हित में, आप बिहार के विकास के हित में, बिहार के लोगों की मियाद के हित में काम करते हैं, और जिस तरह से अवैध तरीके से नर्सिंग होम चलाए जाते हैं और टेपिंग करके, एम्बुलेंस को टेपिंग करके लोगों को लूटने की जो क्रिया है, उस तरह के अनरजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड नहीं है, और उस तरह के बहुत संस्थाएं चलती हैं, इन चीजों को बंद नहीं करने के बाद ऐसे भी स्वास्थ्य में अराजकता का माहौल है, लूट की इस तरह की परंपरा चलती है, और जिस मनुष्य को बचाया जा सकता है वो मनुष्य बच नहीं पाता है, बल्कि उसको शोषण के शिकार बन के वो मर जाता है। तो मृत्यु से बचाने का, ऐसे लोगों को जो गर्जुमार लोग हैं, तो गर्जुमार लोग हैं, डॉक्टर नहीं है, झोरा छाप है, संस्था खोल दी है, कोई कोई जितने, लेकिन उस चीज की वजह से इन नर्सिंग होम को नहीं खत्म किया जा रहा है। आप पटना के सीवेज सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए आप नर्सिंग होम हटा रहे हैं, तो ऐसे तो हॉस्पिटल ही आपके पास कम है। पीएमसीएच एकमात्र गरीबों का हॉस्पिटल पटना में माना जा रहा है, फिर आप अगर इतने नर्सिंग होम को हटा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे आपके गरीब? देखिए, अवैध तरीके से बनाए गए मकान, अवैध तरीके से कोई नाले पर बना रखा है, कोई कहीं बना रखा है, और जमीन धरती को आज भी इतनी मनुष्य को लोभ है कि अब कम जगहों में रहने का आदत नहीं है, बड़े मकानों में रहने की आदत है, साधन रहने के बावजूद भी और बड़ा साधन का व्यवस्था करना चाहता है। तो हॉस्पिटल, डॉक्टर तो इलाज दो कमरे में भी कर सकता है, नहीं तो अरबों के बिल्डिंग बना हुआ है। सही ठहरा रहा है? नहीं, देखिए, सही ठहराने के उद्देश्य है कि पटना जिस तरह से इस बार पटना को देखा हम लोगों ने, 30 साल 35 साल मैंने पढ़ा लिखा रहने वाला, मैं जरूर बिहार में रोहतास जिला का हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई हमारी सारी हुई, संघर्ष हमारे सारे हुए, तो पटना जिस तरह से दिखा, आप जानिए कि कई मैंने कितने करोड़ रुपए का कंकड़ बाग और अच्छे अच्छे परिवार जिसने कमा के जीवन भर अपना रखा था, सब कुछ उसका लूट गया, डूब गया उसका बेटा। तो मिला के आप ये ठहरा रहे कि नीतीश कुमार जो ये फैसला लिया है वो जनहित? निश्चित तौर से जनहित का फैसला, और नीतीश कुमार का फैसला कभी जनहित के खिलाफ, बहुत इस तरह का कभी फैसले नहीं आए हैं, तो नीतीश कुमार के फैसले का हम स्वागत करते हैं, और ये फैसला होना भी चाहिए, क्योंकि पूरा नाला, और मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि मनुष्य स्वभाव से लालची होता है, और लालची होता है तो लालच का कोई सीमा नहीं है। जी बिल्कुल, लालच इसी लालच से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल है कि कोयरी कुर्मी दूसरे नंबर का वोटर बैंक है आपके बिहार में, जिसको नीतीश कुमार भी टारगेट कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी टारगेट कर रहे हैं, और अब नागमणि भी दिसंबर फर्स्ट वीक से ही वो एक रैली निकाल रहे हैं जिसमें कुशवाहा और कोयरी कुर्मी समाज को टारगेट किया जाएगा बिहार विधानसभा के मद्देनजर। आप खुद जेडीयू के विधायक है, इस पे तो आपकी राय बहुत अहम है। देखिए, मेरी राय अहम से मैं एक बात कहूँ कि ये दोनों समाज बड़ा जागरूक समाज है, राजनीतिक समाज, पॉलिटिकल समाज है। जगदेव प्रसाद जैसे लोग जिस समय थे जहानाबाद में, उनके और एक लाइन का मैं जवाब में रहा है, तो जो लोग हैं व्यापारी जो है माल बेच के, और उसके बाद अगर चाहेगा कि हम नेता बने, माल बेचने वाला लीजिए नहीं है, नेता वही बनता है, माल बेचने वाले नेता। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि बेचने वाला व्यापारी बन के लीडरशिप नहीं होता, संघर्ष के बुनियाद पर जो खड़ा होकर विचारों के साथ जो राजनीति करता है, जनता 25 साल 30 साल 40 जब सुनती है तब जगदेव प्रसाद पैदा होता है, तब नीतीश कुमार पैदा होता है, तब लालू यादव पैदा हुआ, रामविलास पासवान पैदा हुआ, और अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी पैदा हुआ, कर्पूरी ठाकुर पैदा हुआ, लोकनायक जयप्रकाश पैदा हुआ। तो इसलिए देखिए, अब ऐसे लोगों के नाम की चर्चा मत करिए जिनकी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैं इतने जानता हूँ कि नीतीश कुमार जब तक इस बिहार की धरती पर है, दूसरा नेतृत्व अभी कोई सपना अपना मुंगेरी लाल का देखता हो तो देखते रहे, ऐसे डफरी बजाने के लिए जिसका मन करे ढोलक कहीं बजा सकता है, तो ढोलक बजाना बजाए, लेकिन नीतीश कुमार जब तक है पिछड़ों का, गरीबों का, दलितों का, सुस्तों का, कलियतों का, विचारों का आखिरी सूरज है, जर्ज साहब और और कृपलानी आचार्य नैन देव, अजल नायक, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश के बाद तो आखिरी तो, बारिश नीतीश कुमार तो है, जिस चिराग को जलते रहना जरूरी है, अगर ये सूरज डूबा
तो गरीबों पर भारी संकट के बादल हिंदुस्तान की राजनीति में होने वाला है, इसलिए इस सूरज को जिंदा रखना है, डूबने नहीं देना है तब तक जब तक कि कोई नया उदय नहीं होता है राजनीति। तो ये मैं मानू कि ये माल वाले नेता आपने उपेंद्र कुशवाहा को बताया? अरे किसी को मैं, किसी व्यक्ति को मैं नहीं कहा, विचारों का जो वाहक होगा वही नेता होगा। विचार विहीन व्यक्ति कभी, और विचार तबे हो सकता है जब जिसमें चरित्र होगा, बिना चरित्र का विचार होता नहीं है। जिसके साथ चरित्र नहीं होगा वो विचार नहीं। और कौन माल वाहक है, कौन व्यापारी है, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन बेचने वाले लोग कभी नेता नहीं हो सकते। बेचने और बिकने वाले। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, महागठबंधन का रैली जो हुआ उसमें आप महागठबंधन को कितना शक्तिशाली मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शक्ति प्रदर्शन ही आपके खिलाफ किया है? नहीं, शक्ति प्रदर्शन जिसके पास शक्ति है तो गया ही नहीं, शक्ति विहीन लोग जिनके पास जीरो पे आउट हो जाते हैं। कौन है शक्ति? मैंने जो आज मेन नेता था, जो तेजस्वी यादव जिसके पास 80 MLA था, वो तो खुद ही उसमें प्रेजेंट नहीं हुआ। जिसके पास पूंजी है, जिसके पास ताकत है, वो गया ही नहीं। अब आगे पूंजी विहीन लोगों की चर्चा आप कर रही है, तो पूंजी विहीन लोग क्या करेंगे और कितना खेलेंगे? एक रन भी नहीं बनाना, बैट वेट सब कवरा हुआ है, विकेट विकेट सब आउट है। ये हमारे साथ थे ललन पासवान, जिन्होंने साफ तौर पे कहा जो शक्ति विहीन है उन्होंने प्रदर्शन किया, शक्तिशाली नेता तो प्रदर्शन ही नहीं किए। इनके नजर में शक्तिशाली तेजस्वी यादव है, आपके नजर में कौन है ये आप फैसला करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।